हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 2021 प्लांट साइंसेस ICAR GRF में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ICAR GRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड GK डाउनलोड करना होगा। वहां से आप हमारे सारे कोर्सेज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड GK एंड्रॉयड ऐप पे। वहाँ पे हम आपको सारे एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन और कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे ऐप पे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैच दी फॉलोइंग। आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है आपको यहाँ पर। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिएटीन जो है आपका साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इन सी उर्चिन DNA विच इज़ डबल स्टैंडर्ड 10% बेस आर शोन टू बी साइटोसिन बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि सी केवल गलत होगा और बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको ICAR के इंस्टीट्यूट है और उनको जो है कि मैच करना है। तो बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये आपका लुधियाना में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, ये आपका कहाँ है, ये आपका जो है कि चौथे जगह बारामती में, फिर आपका हैदराबाद में है, फिर ये जो है आपका करनाल में है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैच ही करना है आपको। तो ऑर्बिटम जो होता है अर्बोरेटम, ये होता है बोटानिकल गार्डन विथ ट्री एंड श्रब्स, ये है आपका थर्ड। और हर्बेरियम होता है कलेक्शन ड्राई लीफ, बायोडाइवर्सिटी होता है ज्योग्राफिकल एरिया रीजन वेयर बायोडाइवर्सिटी इज हायर, और जीन होता है आपका सम ऑफ टोटल जीन स्पीसीज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्चिसिन इज प्राइमरली ऑप्टेन फ्रॉम, तो ये आपका पॉलीप्लाइडी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है कि कॉर्न एंड सीड दोनों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, जो कि आपको मैच करना है कि कैसे सही है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आर्जिमोन रेप सीड से, जॉबनर ग्रास सॉर्गम को बोलते हैं, ये आपका लूसर्न से, फैलिस माइनर आपका वीड से। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, अ फोटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिराइव ऑल कार्बन रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज। नेक्स्ट है एन ऑक्सोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वन और मोर ग्रोथ फैक्टर इन एडिशन टू प्रिंसिपल कार्बन सोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सोट्रॉप को जो है कि कार्बन के अलावा भी और सारे जो है ग्रोथ फैक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, और जो आपके फोटोट्रॉपिक हैं वो जो है कि कार्बन के सोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका क्रोनोलॉजिकल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ए होगा, देन उसके बाद डी हो, सॉरी देन उसके बाद डी होगा, ठीक है, देन उसके बाद डी होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्री 1940 द जीन वर कंसीडर टू बी लाइक बीड ऑन स्ट्रिंग एंड नॉट डिविजिबल, ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और आपका इसी तरीके से है इन 1940 CP ओलिवर प्रूफ दैट जीन्स आर डिविजिबल, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन ग्रेप वाइन रूट स्टॉक हेल्प द फ्रेंच फार्मर टू कंट्रोल रूट एफिड्स, जो अमेरिकन ग्रेन वाइन होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं रूट एफिड्स के लिए,
नेक्स्ट है रूट एफिड रेजिस्टेंस, रूट स्टॉक ऑल्सो रेजिस्टेंस टू ग्रेप वाइन। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट आर इंसाइटेड बाई, तो ये किसके द्वारा होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैक्टीरियल सॉरी फंगल बायोट्रॉफ के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन आर अप्लीकेबल टू प्रोकैरियोट ओनली। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन इंटरवेनिंग पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड इंट्रॉन, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द प्लांट हाइट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस डिफेंस क्रॉप प्लांट अगेंस्ट पैथोजन, तो जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके आपको डिफेंस तो प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस इज मोर फ्रिक्वेंटली एक्सप्लॉयटेड इन रेजिस्टेंस ब्रीडिंग, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ओके। और आपका जो हाँ जो आपका फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिस ट्रांस कंप्लीटेशन टेस्ट रिजल्ट बाई एम्बिगुअस इफ, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ए बी डी ई सी यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट होंगी, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू फंजाई इज टिपिकली टेरिस्ट्रियल अडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स, तो ट्रू फंजाई जो है टेरिस्ट्रियल होते हैं, सही है। नेक्स्ट है आपका ट्रू फंजाई पॉजिटिव काइटिंग इन सेल वॉल, दोनों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप यील्ड द स्टेबल फूड इन इंडिया, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका राइस व्हीट मेज, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज लेंथ ऑफ 10 बेस पेयर, नेक्स्ट है ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बारबेरी इज एन अल्टरनेट होस्ट फॉर पक्सिनिया ग्रैमिनी फॉर्मल स्पीसीज ट्रिटिसाई, बारबेरी प्ले की रोल इन रस्ट एपिडेमिक इन इंडिया, तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट का जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछता कि 2021 को जो है कि या फिर 2023 को क्या किस जो है कि क्रॉप से रिलेटेड ये जो है डिक्लेयर किया है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे आंसर करते। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, तो यहाँ पे आपकी केवल और केवल रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन जो है रेजिस्टेंस नहीं होता है, बाकी आपके लैक ऑफ सेल डिवाइन सेल वॉल और रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन और आपका पैरासिटिज्म ऑन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटेशन विथ लेग्यूम क्रॉप कैन इंक्रीज द नाइट्रोजन लेवल, नेक्स्ट है और सॉइल को फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये सही है। लेग्यूम क्रॉप हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑन रूट नोड्यूल एंड कन्वर्ट इनर्ट नाइट्रोजन इन फ्रॉम एटमोसफेयर टू प्लांट यूजेबल फॉर्म, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे आपका बोथ दोनों के दोनों सही है और इजिली एक्सप्लेन हो रहा है, आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ऑप्शन वन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सही है, ठीक है। और आपका क्या बोल रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन थैलाकॉइड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है, आपको मैच करना है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे कि वीट के लिए थर्ड होगा, ठीक है,
और आपके कंपोजिट मीज वैरायटी के लिए आपका बी का 4 होगा, रेडिस का 1 होगा और पिजन पिन का 100 होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स आर स्टरलाइज बाई बैक्टेरियोलॉजिकल फिल्टर बट नॉट बाई हीट। एंटीबायोटिक्स आर थर्मोलेबाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्ट मैच करना है आपको, अगेन मैचिंग है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो है कि मेन प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज बनता है, एनर्जी करेंसी आपकी ATP होती है, जो अपने से खाना बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑर्गेनेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका जो है कि क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स इज अफेक्टेड बाई। तो कैसे ये अफेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका केवल केवल BCDE से, ठीक है, ए नहीं होगा, अब बाकी बी है, सी है, डी है और ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन लाइसोजेनिक साइकिल द वायरल न्यूक्लिक एसिड डज नॉट हैम्पर द फंक्शन ऑफ होस्ट बैक्टीरियम। रीजन है, इन लाइसोजेनिक साइकिल द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज गेट इनकोऑपरेटेड इनटू द होस्ट ऑफ होस्ट DNA एंड बिकम प्रोफेज एक्टिव एज अ जीन। तो यहाँ पे आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है कि प्लांट मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ELISA और PCR से रिलेटेड जो आपके स्टेटमेंट है वो कौन से सही हैं। तो आपके केवल केवल ए और ई जो है कि करेक्ट है स्टेटमेंट आपके ELISA और PCR से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कैन बी यूज फॉर द वैरायटी पर्पस सच एज। तो सिंगल क्रॉस किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी और डी के लिए, ए सी और डी के लिए, ठीक है, सॉरी डी के लिए। प्रिडिक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, डेवलपमेंट ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, डेवलपमेंट ऑफ थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस इम्पैक्टिंग इवन वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेस्ट नट ब्लाइट, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विल्ट डिजीज़ इज कॉज्ड बाई, तो विल्ट डिजीज़ आपकी बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से हो सकती हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रिफिकेशन इन द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इन 2 स्टेप। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ नाइट्रोबैक्टर आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो आपके अमोनिया बनता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, दोनों नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रो जो है सोमनास जो है दोनों आपके ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, पनामा विल्ट ऑफ बनाना कॉज बाई फ्यूजरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज क्यूबेंस इज इंटरनेशनली नोन प्लांट डिजीज़। तो ये जो है कि आपका इंटरनेशनली जो है कि प्लांट डिजीज़ है जो कि बहुत ही विख्यात है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे इससे रिलेटेड करेक्ट, ए और सी यहाँ पे करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उमाई सिटी से कौन बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, प्लाज्मा पारा जो है कि आपके बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज इज लोकेटेड एट करनाल। ये करनाल में है, ठीक है, तो ये आपका करनाल में है, सही है, बट आपका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च ये चेन्नई में नहीं है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीनोटाइप ऑफ प्लांट ABBD, द जीन AB आर लिंक्ड इन कपल्ड फेज विद अ मैप डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन। द जीन डी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोजोम अंडर सच सिचुएशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ABD जीन वुड बी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 1/40, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडियल CN रेशियो ऑफ मैच्योर कंपोस्टेज, तो ये हो जाएगा लेस देन 20:1। अगेन आपको मैच करना है, तो यहाँ पे बात करेंगे, राइस जो है आपकी डिप्लॉयड होती हैं, आपके जो बनाना होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, ओके, जो ड्यूरम होते हैं, ठीक है, आपके जो ड्यूरम सीड हो जाएंगे, ड्यूरम वीट होंगे, ये आपके जो है कि ये आपके टेट्राप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, राइस आपकी डिप्लॉयड हो गई, वीट, राइस आपकी डिप्लॉयड हुई, ठीक है,
ड्यूरम आपका टेट्राप्लॉइड, वीट आपका जो है कि हेक्साप्लॉइड, और बनाना आपका ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइटोप्लाज्मा इज अ मोटाइल बैक्टीरियम। फाइटोप्लाज्मा इज ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर। तो बोल रहा है कि मोटाइल बैक्टीरियम है और ये जो है कि फाइटोप्लाज्मा इज ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर। तो यहाँ पे आपका जब करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे फोर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ए फॉल्स है, बी आपका सही है, आपका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ मिड पैरेंट हेट्रोसिस द जीनोटाइप इंक्लूड इन द ट्रायल आर। तो कौन सा जो है कि यूज़ करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका बी ए बी सी यूज़ करते हैं, ए बी और सी यूज़ करते हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रोथ रेगुलेटर विच कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो जाहिर सी बात है कि जो कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ करते हैं प्लांट के लिए, उन्हें फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ एंड ब्रांच ऑफ द रूट। एंड ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम वो हेल्प करते हैं आपके लेंथ बढ़ाने में। ठीक है, आपकी जो भी सेल्स हैं एपिकल सेल, उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ई ऑप्शन फोर केवल का होगा, पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड H2O। नेक्स्ट है, वायरसेस आर द ओनली पैथोजन ट्रांसमिटेड बाय नेमेटोड्स। तो वायरसेस केवल ऐसे पैथोजन है जो नेमेटोड से ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, वायरस को बहुत सारे वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर हैं। बायोटिक एजेंट एसोसिएटेड विथ प्लांट नोन एज ट्रांसमिट प्लांट पैथोजन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, ग्रोथ आउट टेस्ट को मैच करना है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का जो है सेकेंड हो जाएगा, बी का आपका फोर होगा, सी वायबिलिटी टेस्ट आपका जो है कि अलाइवनेस टेस्ट करता है, और ब्रिक ग्रेवल जो है कि टेस्ट फॉर विगर ऑफ सीड। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। 47 की बात करेंगे आप जब, तो ब्लड ग्रुप आपके जो है कि बिफोर बर्थ होता है, बाल्डनेस आपके लगभग 25 साल बाद आती है, रिकेट्स आपका एक ईयर बाद। ठीक है, और ये जो है कि इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड कोट इज़ डिराइव फ्रॉम, तो ये जो है कि टेस्टा से डिराइव होती है, ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है। ठीक है, मैच है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए जो है ए आपका सेकंड से मैच करेगा, बी आपका फोर से मैच करेगा। ठीक है, और सी आपका जो है कि थर्ड से मैच करेगा, डी आपका जो है कि फाइव से मैच करेगा, और ये जो है कि आपका वन से मैच करेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम कल्टीवेशन सॉइल। तो कौन कौन से जो है कि प्रोसेस होते हैं जहाँ से नाइट्रोजन लॉसेस होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपकी लीचिंग हो जाएगा, वोल्टराइजेशन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम फॉर डीएनए मैनिपुलेशन इंक्लूड। तो यहाँ पे आपके डी और ई जो है यूज़ होते हैं, ए डी और ई यूज़ होते हैं डीएनए मैनिपुलेशन में। ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सेक्स इंडेक्स के बारे में आपको बात करना है और सेक्सुअल फिनोटाइप को मैच करना है करेक्टली। तो यहाँ पे आपका ए जो है आपका वन जो है होगा वो फीमेल के लिए होगा, मेल के लिए 0.5 हो जाएगा, इंटरसेक्स के लिए 0.67 हो जाएगा, और सुपर मेल के लिए 0.33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन वॉज गिवन बाई, तो ये CM ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, द हॉर्न डेवलपमेंट इन शेप इज सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये आपका सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेस के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका कहाँ है, ये जो ब्यूरोज़ हैं नेशनल ब्यूरोज़ हैं उनको मैच करना है। तो ये आपका जो है कि सबसे पहला जो आपका NBPGR है ये आपका दिल्ली में है,
नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका कहाँ है, ये आपका जो है करनाल में है, ठीक है। और फिश वाला जो है आपका, फिश का ये लखनऊ में है और ये नागपुर में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ जीनोटाइप एंड द रिलीज ऑफ क्रॉप वैरायटी, तो कौन कौन से स्टेप होते हैं आपका, सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, देन आपका डी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन बट कैन ग्रो अंडर एनारोबिक कंडीशन, तो यहाँ पे आपका कोई भी लैंग्वेज इसके क्लियर नहीं है और इसका जो है कि आंसर जो है नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसर्शन वाइल एलो इन्फेक्शन इंक्रीज डिजीज इंसिडेंट एंड द ऑटो इन्फेक्शन इंक्रीजेज द डिजीज सीवियरिटी, नाइदर ऑटो इन्फेक्शन नॉर एलो इन्फेक्शन इज सफिशियंट टू कॉज डिजीज एपिडेमिक, तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही है बट आपके आर एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मैच करना है, तो जो आपके ब्लड ग्रुप है उसको कार्ल स्टेनर ने किया था, डबल हेलिकल जो है आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन के फॉर्म कौन कौन से हैं, तो जो जीन बैंक है, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके उन्हें सेव किया जाता है, तो जीन बैंक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, देन उसके बाद आपका हो जाएगा टिश्यू कल्चर, फिर उसके बाद नेशनल पार्क, तो यहाँ पे सी नहीं होगा आपका, ई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और ई करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपको अगेन मैच करना है, सबको पता है क्यू कहाँ है, ये लंदन में है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपका चेन्नई में है, और ये आपका जो है कि पी पी वी एफ आर जो है आपका न्यू दिल्ली में है, और ये आपका पाथिन चेरू में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पॉलीसाइक्लिक डिजीज आर नोन एज टू कॉज प्लांट डिजीज एपिडेमिक, नेक्स्ट है पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज इंसाइटिंग पैथोजन प्रोड्यूस मल्टीसिटी ऑफ इन्फेक्शन इन शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पे जब करेक्ट ऑप्शन की बात की जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कि पॉलीसाइक्लिक जो है कि सबसे पहले बार एपिडेमिक्स होती ही कॉज करती ही है, साथ ही साथ इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है और एक साल में बहुत सारी इनकी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट, प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं इंसेक्ट के द्वारा, ओके सही है स्टेटमेंट। ओनली सकिंग इंसेक्ट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग प्लांट वायरसेस, गलत है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर कोच पोस्टुलेट, तो कोच पोस्टुलेट के लिए कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, सो यहाँ पे गलत की बात करते हैं तो बी केवल गलत होगा और बाकी सारे के सारे सही हो जाएंगे, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका पूछा है इफ अ वुमेन कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड मैन एंड प्रोड्यूस सेवरल चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कलर ब्लाइंड और नॉर्मल ऑफ ऑफ स्प्रिंग विल बी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है प्लास्टिड आर द साइट ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, सही है ये, और आपका साइटोसॉल इज द साइट ऑफ पायरिमिडीन सिंथेसिस, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेन इनिशिएशन कोडॉन, चेन इनिशिएशन कोडॉन कौन सा नहीं है, सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पूछा है तो आपका। नेक्स्ट है लाइट पाथवे ऑफ टिपिकल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइटम्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
थर्ड लाइट पाथ ए टू बी, सी टू डी और डी टू ए. ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट आपको मैच करना है, आपकी सिचुएशन है उसको सिचुएशन के साथ मैच करना है. तो प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि फीमेल जो है पहले मैच्योर हो जा रही है. स्टेमेन मैच्योर बिफोर पिस्टिल, देन है फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है. डाइकोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंशियल मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका वन हो जाएगा. एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल का. नेक्स्ट है इन केस ऑफ ओकरा द सीड मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्योर सीड फॉर सर्टिफिकेशन. मिनिमम आपका मिनिमम 99% आपकी प्योरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका ऑन एवरेज हाउ मेनी फ्रेगमेंट वुड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक 5 बेस सिक्वेंस इन डीएनए वुड प्रोड्यूस फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज जीनोम ऑफ साइज 5252 बेस पेयर. यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5, अबाउट 5 बेस पेयर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. रफ़ी अहमद किडवई अवार्ड बेस्ट ओन बाई CSIR टू अ साइंटिस्ट टू रिप्यूट फॉर द कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है ICAR अवार्ड पंजाब राव देशमुख वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अवार्ड एनुअली. यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वन जो है गलत होगा और स्टेटमेंट सेकेंड जो है सही होगा. ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट वुड बी नॉट यूजफुल इन केस. तो पोमग्रेनेट में आपका पॉसिबल नहीं है. मैंगो में, सिंधु ग्रेप्स में, थॉमसन सीडलेस, ऑरेंज में भी पॉसिबल हो गए हैं आपको सीडलेस उगाने के लिए. तो यहाँ पे पोमग्रेनेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट. तो ये आपका ऑप्शन सेकंड गॉसिपियम हिरसिटम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग प्रोड्यूस बायोगैस विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड स्लरी प्रोड्यूस कैन यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर. इथेन इज अ प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस. यहाँ पे जब बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. सेकेंड स्टेटमेंट नहीं, इथेन नहीं, मिथेन आपका जो है कि प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट होता है. ओके नेक्स्ट है इन जीन एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ टाइट लिंकेज मे क्रिएट कन्फ्यूजन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. तो किस इवेंट के द्वारा इसको कन्फ्यूज किया जाता है? तो ये आपका प्लियोट्रॉपी के द्वारा ये कन्फ्यूज किए जाते हैं. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की जब बात करेंगे तो राइस आपका जो है कि GMOs फॉर सेल्फ लाइफ टोमेटो के लिए हो जाएगा. ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टोबैको और कॉटन. ठीक है, टोबैको और कॉटन की जब बात करेंगे यहाँ पे तो जो कॉटन होते हैं वो GMO हाइब्रिड होते हैं और फर्स्ट GMO जो है टोबैको होते हैं. ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन DNA. तो लाइसोसोम में DNA नहीं होते, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, क्लोरोप्लास्ट हो जाए, न्यूक्लियस हो जाए, इनमें जो है कि अपने खुद के DNA पाए जाते हैं. ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अगेन आपको मैच करना है डाइपिकोलिनिक एसिड. ये किसके होते हैं? डाइपिकोलिनिक एसिड ये आपके जो है पाए जाते हैं सेकंड में. माइक्रोप्लाज्मास जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट लैबाइल और स्टीम अंडर. तो यहाँ पे आपके सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 होगा. ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है ब्रासिया जंक्शिया इज एन ऑलो टेट्राप्लॉइड हैविंग AABB जीनोम. नेक्स्ट है ब्रासिया जंक्शिया इज प्रोड्यूस व्हेन बी निग्रा इज क्रॉस विद वी कंपेस्ट्रिस. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये जो है कि ऑटो टेट्राप्लॉइड है. ठीक है, जिनमें AABB जीनोम जरूर होते हैं और ये जो है कि ब्रासिया निग्रा और ब्रासिया जो है कि कंपेस्ट्रिस का क्रॉस होते हैं. ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है द इवेंट हैपनिंग ड्यूरिंग RNA प्रोसेसिंग. RNA प्रोसेसिंग के द्वारा कौन कौन से इवेंट होते हैं? ओके तो यहाँ पे आपके
यहाँ पे आपके ए सी और ई ए सी सॉरी आपका बी डी ई जो है इवेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, प्रूफ रीडिंग ऑफ नेसेंट एमआरएनए, डी एलिनेशन ऑफ थर्ड इंट और ई जो है एडिशन ऑफ पॉलीटेल इंट। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन मैच करना है आपको 83 से, 83 का आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए जो है आपका मैच करेगा आपका पिजन पी से, ठीक है, बी आपका काउ पी से, सी आपका जो है कि थर्ड से कसावा से और ये जो है कि वीट से। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेटर इन सीड प्रोड्यूसिंग सीड प्रोसेसिंग यूनिट सेपरेट द सीड बेस्ड ऑन सीड सरफेस टेक्सचर स्टिकनेस ऑफ सीड। नेक्स्ट है इंसेक्ट डैमेज द पार्शियली फील्ड सीड में अपीयर एज द सेम नॉर्मल सीड इन द शेप साइज बट वेर इज देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हैं, ठीक है, बट जो है आर एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को। नेक्स्ट है इन रिसिप्रोकल रिकरेंस सेलेक्शन टू पॉपुलेशन सो डेवलप कैन यूज सिंथेटिक वैरायटी। तो रिकरेंस सेलेक्शन में इसीलिए पॉपुलेशन यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रिसिप्रोकल सेलेक्शन रिकरेंस सेलेक्शन जी सी ए ऑफ बोथ पॉपुलेशन इज इम्प्रूव साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे रीज़न क्या होगा, यहाँ पे रीज़न आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा, आपका रीज़न भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू वाइल कंपेयरिंग प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को जो हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका ए सी और डी, ए सी और डी जो है कि आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके जेनेटिक एक्सचेंज अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जेनेटिक जो मटेरियल वो एक्सचेंज होते हैं। मियोसिस जो है कैरेक्टरिस्टिक है आपका यूकैरियोटिक का और 70S जो है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में और 80 जो है कि आपके राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच करना है तो यहाँ पे आपका आपका सेस्बेनियन रोस्ट्राटा जो है ग्रीन मैन्योर हो जाता है, वर्मिंग कंपोस्ट और अर्थ वॉर्म से होती है, हेट्रोसिस्ट आपका जो है कि एनाबिना होता है और आपका जो है सिस्ट आपका एस्टोबैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जेनेरा फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एक्वेटिक फर्न एजोला। तो कौन कॉज करता है एजोला के साथ, ये एनाबिना के साथ ये जो है कि एजोला जो है एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वर्टिसॉल, ब्लैक सॉइल जो है वर्टिसॉल से रिलेटेड होती है, श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो अल्फा हेलिक्स ज़्यादा कॉमन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट है रस्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय, तो रस्ट डिजीज सबसे पहले आपके अल्बिगो से तो होता है और ये जो है कि मस्टर्ड में होता है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, करेक्टली ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट सीड सीड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ सीड लॉट। स्टेटमेंट सेकेंड है सीड ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट हैव सेम शेप साइज एज मेन क्रॉप। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन तो सही है बट स्टेटमेंट सेकेंड यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका सॉयल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर प्राइमरली एसिडिक इन नेचर, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सॉयल होते हैं वो आपके जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अमंग अदर मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ सॉयल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कैल्शियम विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स एसिडिटी ऑफ सॉयल। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा, आर फॉल्स हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेट्रोसिस कैनॉट बी फिक्स्ड इफ इट इज़ ऑप्टेन थ्रू, अगर ये कहाँ से मिल रहा है वो अगर वहाँ से मिलेगा जैसे किससे मिलेगा तो हेट्रोसिस फिक्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी और डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है, अगेन आपकी मैचिंग है तो बात करेंगे यहाँ पे तो ए आपका जो है कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, आई टी सी सी जो है आपका न्यू दिल्ली में है।
और आपका जो है कि MTCC कहाँ है, MTTC जो है आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। और आपका NCPPB कहाँ है, तो ये आपका इंग्लैंड में है। और ATCC कहाँ है, ये आपका जो है कि USA में है। और बचा एक आपका, ये हो जाएगा आपका बेल्जियम में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे वन हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डी विंगबर प्रिंसिपल से पूछा है। हार्डी विंगबर विंगबर इक्विलिब्रियम से इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल विच इज़ इन हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप क्लासेस आर एज फॉलो। ये है 64 AA, 32A स्मॉल ए और 4 स्मॉल ए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एंड स्मॉल ए इन दिस पॉपुलेशन वुड बी, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होगी इनकी, तो फ्रिक्वेंसी इनकी हो जाती है ए जो है 0.8 हो जाएगी और जो स्मॉल ए है वो हो जाएगी 0.20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 को हमको मैच करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ए आपका जो है कि स्यूडोम्यूरिन जो है बैक्टीरिया हो जाते हैं। आउटर सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आउटर सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपके ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। आउटर सेल की जब बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके ग्राम नेगेटिव। और ये हो जाते हैं फंगल और एल्गी का एसोसिएशन लाइकिन कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस यूज्ड इन गैस डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड इज, तो कौन सा यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर टू पेरिफेरी ऑफ द सेल। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियोलस होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर उसके बाद आपका गोल्गी अपैरेटस होगा, देन उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आपका सेल वॉल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्रोनिम्स ऑफ ITPGRFA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका करेक्ट ऑप्शन, तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रॉट डिजीज कॉज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्यूजोरियम सोलेनाई की वजह से, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, तो ये हो जाएगा एसर्शन रीजन है। ये है आपका इन डी यू एस ट्रायल द नंबर ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ वेराइटीज लार्जली डिटरमाइन द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है आपका रेंडमाइज इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज मोस्ट यूज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन डी यू एस ये ट्रायल। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट परमिट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नीडेड टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया एनी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फ्रॉम अदर कंट्री, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अदर कंट्री से आ रही है तो इसे इम्पोर्ट परमिट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट इज साइंड बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ICAR, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दस मिनट बाद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट वन। नेक्स्ट है इन क्यूब बैंडिंग एक्सपेरिमेंट द लाइट इन फ्लोरोसेंस बैंड इंडिकेट्स क्रोमोसोमल रीजन रिच इन बेस, तो किस बेस पेयर में रिच होता है, यहाँ पे आपका जी और सी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ग्वानिन एंड साइटोसिन में ये रिच होता है, ये बैंड जो क्यू बैंडिंग करते हैं।
ये है रिकैल्सिटेंट सीड आर। तो ये कौन से होते हैं सीड? तो यहाँ पे आपके केवल और केवल ससेप्टेबल टू डेसिकेशन और फ्रीजिंग के लिए होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड टैग यूज्ड इन फाउंडेशन सीड। तो यहाँ पे वाइट होता है, ठीक है, वाइट इसके लिए करते हैं, वाइट फाउंडेशन सीड के लिए। ये आपके जो है सर्टिफाइड सीड के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है कि आपके ब्रीडर सीड के लिए यूज़ करते हैं। तो सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। प्लांट डिजीज सिम्टम नीड नॉट हार्बर द पैथोजन प्रोपिग्यूल्स ऑलवेज। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट सिम्टम है वहाँ पे प्रोपिग्यूल्स हमेशा मिले, ठीक है। नेक्स्ट है क्राउन गॉल हार्बर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर फॉल्स है, ए जो है ट्रू है। नेक्स्ट है ह्यूगो डेबरीज, इन्होंने क्या दिया था? अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड, यहाँ पे आपको मैच करना है। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए जो है आपका थर्ड से मैच करेगा, ठीक है। मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है आपका, ये आपका इन ब्रीड ए से मैच करेगा। डबल टॉप जो है कि क्रॉस किससे मैच करेगा, ये आपका वन से मैच करेगा, और ये जो है कि आपका सेकंड से मैच करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसको किसने दिया था? इसको जो है आपके दिया था आपका क्रिक ने, ठीक है, क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट वन जीन वन एंजाइम किसने दिया था? इसको जो है आपके सेकंड ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑप्शन आपका वन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका मोटाइल इनफेक्टिव प्रोपोग्यूल्स आर प्रोड्यूस बाई। तो मोटाइल प्रोपोग्यूल्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये आपके जैंथोमोनास रेल्स्टोनिया पोजेस फैजला, तो ये इन्हीं के द्वारा जो ये प्रोड्यूस होता है। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोलियर प्लांट पैथोजन प्रोड्यूस पिगमेंटेड एंड कलर्ड स्पोर। तो जो फोलियर प्लांट पैथोजन होते हैं वो पिगमेंटेड कलर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डार्क पिगमेंटेशन हेल्प द पैथोजन टू अडॉप्ट फोलियर पार्ट टू विथस्टैंड हाई रेडिएशन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड सॉरी आर एंड एसर्शन एंड रीजन दोनों सही होगा, और रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपका ए का। नेक्स्ट है आपका नेशनल एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन इज लोकेटेड इन मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश। तो ये आपका मऊनाथ भंजन में है, ये तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपका नेशनल एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन हैज़ एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लैग लीफ क्लिपिंग इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस प्रमोट हायर सीड सेटिंग। नेक्स्ट है फ्लैग लीफ ऑफ राइस इंटरसेप्ट मोर सन लाइट एंड फैसिलिटेट एक्यूमुलेशन ऑफ मोर फोटोसिंथेट इन सीड टू नियर ए पैनिकल। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को। नेक्स्ट है अरेंज करना है इवेंट को आपको रेप्लिकेशन के करेक्ट ऑर्डर में। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? सबसे पहले सी होगा, ठीक है, सबसे पहले एडजॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद आपका पेनिट्रेशन होगा, देन उसके बाद ए हो जाएगा, फिर उसके बाद लेसिक एंड रिलीज असेंबली एंड फेज ऑफ पार्टिकल। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे अगर मैच करने की बात है तो यहाँ पे बात करेंगे आपका क्लोरोसिस जो है आपका होता है, क्या होता है? मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। नेक्स्ट है आपका हाइपरप्लासिया का मतलब होता है क्राउन गॉल ऑफ रोज। एपिनेस्टी का मतलब होता है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 116 का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट इन सीड टेस्टिंग गिव अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ।
तो ये क्या देता है, तो ये बताता है कि इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कितना आपका मजबूत है वो दिखाता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है रिकमेंडेड मेथड फॉर सीड जर्मिनेशन टेस्ट इन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में कौन सा जो है कि जर्मिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है टॉप ऑफ पेपर मेथड, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका माल्थियन स्क्लेडेन एंड स्क्वान प्रपोज द फर्स्ट टू कॉम्पोनेंट ऑफ सेल थ्योरी, तो ये तो सही है ठीक है। और क्या है रुडोल्फ वर्चाउ प्रपोज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ सेल थ्योरी, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रामसार कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, तो ये किसके कंजर्वेशन के लिए है, ये आपका जो है कि वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए है ये ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो ये रही आपकी पूरी वीडियो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।